ये है सैमसंग का टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है। इसका प्रॉब्लम आ रहा है, पॉज बटन काम नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी प्रोग्राम बनाओ, सब कुछ हो रहा है, बट पॉज बटन काम नहीं कर रहा है। जब पॉज बटन दबाओगे तो उससे बीप की आवाज़ आता है, बट काम कर नहीं रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाया जो आपको हेल्प हो, आपको काफ़ी मदद मिले। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा ये कैसे रिपेयर होता है। इसको जब आप काटिंग करते हो, मतलब काट रहे हो, तो ध्यान से काटिएगा इस दवा के, मतलब क्योंकि इसके पीछे फॉयल होता है, तो ये ध्यान से हमेशा काटना, क्योंकि काटते काटते आपको ऐसा ना हो जाए ये पूरे जो जो पीसीबी है, जो मेन सर्किट है, उसमें टच हो जाएगा तो फॉयल कट जाएगा। इसलिए संभाल के काटना चाहिए। तो इसको उठाना ज़रूरी है। नहीं आई चेटा भांगा स्क्रू ड्राइवर फुल वीडियो देखते रहिए तो आपको पता लग जाएगा, और आपको काफ़ी मदद भी मिलेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें कॉल कीजिएगा, आपको बता देंगे क्या करना होगा कोई भी प्रॉब्लम है। तो इसको उठाते वक्त ध्यान रखिएगा नीचे फॉयल जो लाइन है वो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए आप हमेशा काम जब करोगे तो ध्यान से करना है। तो देखो अभी ये जो बोर्ड है इसका अंदर काम करेंगे। हाँ देखो, इसका प्रॉब्लम है, ऑन तो हो रहा है, बट देखो ऑन हो रहा है लेकिन ये जो पॉज बटन है, ये है पॉज बटन, एक बीप होता है बट काम नहीं करता, नॉट वर्किंग, कोई काम नहीं होगा। प्रोग्राम बन रहा है, देखो कि प्रोग्राम अगर बनाएंगे तो प्रोग्राम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप दबाओगे पॉज बटन तो काम नहीं करेगा। तो इसको हम लोग ठीक करेंगे, कैसे ठीक होता है आपको बताएंगे। और एक बात है, कोई भी पीसीबी आप जब रिपेयर करने जाते हो तो ध्यान से पहले चेक करो, जी आप खुद ट्राई करो एक बार, ऊपर से ट्राई करो तो आपको आएगा, अगर नहीं आएगा तो वीडियो फुल देखिए तो आपको बता देंगे। ये जो आपको लिक्विड है इसको उठाना, धीरे धीरे पूरे लिक्विड को उठा लेना है। ये जो लिक्विड है इसको आराम से उठाना, क्योंकि जब इसके आसपास छोटा छोटा ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस है तो ये टूट ना जाए, ऐसे काम करना। सिंपल बात है, पहले देखो ये जो थर्मोस्टेट दिखाई दे रहा है, ये देखो आपको ये जो थर्मोस्टेट है, ये जो थर्मोस्टेट है ये शॉर्ट हो जाता है, तो इसको हटा देना ज़रूरी है। इसको पहले हटाओ फिर मैं बताऊँ। इसको पहले अच्छा सा हटा दो, हटाने से पहले इसको साइड में रख लो। साइड में रखने के बाद आप टेस्ट करो पहले कि ठीक होता है कि नहीं, फिर अगर हो जाता है तो इसको हटा देना। तो ये हटाना ज़रूरी है फिलहाल, अभी हटा देता हूँ इसको। इसको हम लोग हटा दिया था, इसको कहते थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट यहाँ से हटा दिया हम लोग। अभी चेक करेंगे, अभी वायर, एक वायर से हम दूसरे पे कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसी में एक तो वायर लगा दिया। ये जो फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं होता तो और भी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं जिसको कैश खराब होने से, वो हटा दिया। थर्मोस्टेट हटाने के बाद हम लोग इसका जो ऑप्टोकपलर है इसका सेकेंड में लगाया, और दूसरा यहाँ से लेके ये जो ऑप्टोकपलर इसमें लगाया, अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। अभी टेस्ट करेंगे,
जे काम कर रहे हो। बस ठीक हो गया अभी, देखो अभी ठीक हो गया। डी का मतलब ड्रेन, डोर स्विच का शॉर्ट करना जरूरी है। डोर स्विच शॉर्ट कर दो। तो हम लोग देखो डोर स्विच ये जो है ये मैग्नेट के साथ लगाया, मतलब मैग्नेट के साथ ये सेंसर काम करता है जो डोर स्विच। और अभी देखो ये ठीक हो गया, अभी काम करना चालू हो गया, मतलब अभी ये हम लोग ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर दिया, ऑन किया, ये देखो दबा दिया, ठीक है। तो इसी में हम लोग ठीक कर दिया, जो प्रोसेस हमें पता था आपको भी बताया, आप भी करो, 100% पीसीबी रिपेयर हो जो गारंटी। अगर कोई दिक्कत हो तो कोई भी पीसीबी के लिए तो हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बता देंगे। अगर हमें वीडियो बनाते हुए कोई दिक्कत हुआ तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, और कोई भी और वीडियो देखना है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार देखा देता हूँ कैसे क्या काम किया हम लोग। तो ध्यान से देखो हम लोग क्या काम किया। ये देखो ये जो ऑक्टो कैपलर है, यहाँ पे जो मार्क बना हुआ है ये देखो, इसका लेफ्ट हैंड में लगाना वायर, और दूसरी जगह पे ये जो डायोड है यहाँ पे एक लगा देना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना एक थर्मोस्टेट होता है, इसको हटा देना, ये शॉर्ट रन की वजह से ख़राब हो जाता है। तो कोई भी सैमसंग टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन का सेम मॉडल में अगर पॉज बटन काम नहीं करता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब आप सब प्रोग्राम बना रहेगा लेकिन पॉज बटन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मशीन बीप कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। उन लोगों के लिए सिर्फ ये वीडियो है, अगली और कोई वीडियो है देखना है तो आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कौन सा पीसीबी के ऊपर वीडियो बनाना है, हम आपको बता के वीडियो बना के दिखा देंगे, और प्रॉब्लम भी बता दीजिएगा ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। थैंक यू, जो अगले वीडियो पर हम लोग मिलते हैं, थैंक यू।